सो फेसबुक पर अलग मोटिवेशनल वीडियो अपलोड हो चुकी है, तुम उत्थे जाके देख सकते हो। सो वो वीडियो यूट्यूब पर नहीं आएगी, वो सिर्फ थानू एक्सकलूसिव कंटेंट फेसबुक पर ही देखने को मिलेगा। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारन। सो पंजाब मेरे भी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो अज गल करांगे इंट्रस्टिंग फैक्ट्स बारे। सो कुछ वो डूंगियां जानकारियां जो शायद थानू पहला नहीं पता होणगियां, जिवें कि घड़ियां तो तुसीं बहुत सारिया वेखियां होणगियां, पर आपां अजिही घड़ी बारे गल करांगे जिसकी कीमत हर साल वधदी है, तो अजिहे शूज़ बारे गल करांगे जो ऑटो मोड पर चलते हैं, तो उन्हां दी कीमत 70 लाख के नेड़े तेड़े है। तो इंडिया के सब तो अमीर भिखारी बारे गल करांगे जिसकी नैटवर्थ 7 करोड़ के नेड़े तेड़े दसी जाती है। तो एक जवाक एक छोटा जिहा ग्लिच लभ के किवें बिटकॉइन तो बिलियनर बनया। सो इदा के बहुत सारे इंट्रस्टिंग फैक्ट्स अज थानू इस वीडियो में देखने मिलेंगे। सो घड़ियां तो तुसी बहुत लईयां होणगियां, पर की थानू पता है कि कोई घड़ी अजिही भी है जो थानू पैसे बना के दे सकती है। हाँ जी, असीं गल कर रहे हैं रॉयल एक्स परपैचुअल डेट जस्ट की, जिसकी कीमत 14 लाख के करीब है। सो इन्ने पैसे किसी घड़ी ते लाने वेस्ट ऑफ मनी ही मनिया जाएगा आम इंसान लई। सो ये तो थानू पता होगा कि पहला घड़ियां जेब में रखने वाली होंदियां सी, पर सब तो पहली जो वॉच हाथ ते पाउण वाली आई सी वो बनाई सी रॉयल एक्स ने। ते इना कड़ियां दे विच हुंदा प्योर गोल्ड ते डायमंड, सो जिस कारण इना दी वैल्यू ग्रो हुंदी रहिंदी है। ते जेकर तुसी इस घड़ी नू लेना भी है तां इह तुहानू 1-1.5 साल दे अंदर अंदर नहीं मिल सकेगी, क्योंकि इस घड़ी दी बुकिंग करवानी पवेगी, ते जिसका वेटिंग पीरियड होगा 1-1.5 साल का। सो गूगल के मुताबिक इस घड़ी का हर साल 7-8% रेट वधदा है, मतलब जेकर तुसी इह घड़ी नू लैके 10 साल पा के उस तो बाद वेच दिओ तां इह 25-30 लाख की फिर विक सकती है, मतलब सीधा सीधा 10-15 लाख रुपये का मुनाफा। सो ये तो फिर एक तरह की इनवैसटमेंट ही हुई। सो वो गल वक्री है कि साडे वर्गे स्क्रैच पा लेंगे ने, या कह लो कि स्क्रैच तो बहुत छोटी गल है, शीशे शूशे भी तोड़ लेंगे ने, सो फिर नहीं ये विकनी। सो हुण जेकर तुसीं बाय करनी हुई तो यह गलों का ध्यान जरूर कर लियो। सो इस तरह थानू एक होर कमाल की चीज़ दसद, नाइकी का 1-15 हज़ार का शू 1.5 लाख से पहुँच जाता है। सो यह किवें हुंदा है, लॉन्च हुंदे ही जिसने सब तो पहला बुक करके खरीद लिया उस तो बाद बिकेगा बोली लग के। सो ज़्यादातर शू वह महंगे होंगे ने जो कंपनी कोलैबरेट करके बनाती है, सो कुल मिला के जिन्हों की थोड़ी ज़्यादा हाइप होंगी है। सो तुसीं हाइप वाला शू लभना है तो उसनू कंपनी तो सब तो पहला खरीदना है, तो उस तो बाद फिर 2-3 वैबसाइटा लभनिया ने जिथे थानू इस दे कलैक्टर मिल जाएंगे। पर इस तो अलावा आप नाइकी के एक होर कमाल के शू बारे गल करते हैं जिसकी कीमत है 67 लाख रुपये तो भी ज़्यादा। हाँ जी, असी गल कर वाले हाँ नाइकी एयर मैग की। सो 1999 में बैक टू फ्यूचर मूवी के पार्ट 2 में ऑटो लेजिंग शूज़ बारे दिखाया गया सी, मतलब ऐदा दे शू सी जिन्हां विच पैर पाओ ते लेज अपने आप टाइट हो जाते सी। पर फिल्म विच दिखाई गई ये टैक्नोलॉजी नू बनाउण लई नाइकी नू 27 साल लग गए। सो ये किवें बनाया गया ये तुसी देख सकते हो, जदों भी नाइकी दे ये शू विच तुसी पैर पाउने हो तां अड्डी दे थले लग्या सेंसर एक्टिवेट होके तले थले लगी मोटर नू ऑन कर दिंदा है, ते ये मोटर फिर अपने नाल कनैक्ट हुई शाफ्ट नू रोटेट करती है, ते ये शाफ्ट नाल अटैच हुए गेयर स्ट्रैप्स नू टाइट करदे ने। सो इस तरह ये स्ट्रैप्स नाल जुड़े लेसिस टाइट हो जांदे ने। ते इस तो अलावा तुसीं इन्हां नूं अपने हिसाब नाल बटन दब के भी टाइट जां लूज कर सकदे हो। सो तुहानूं दस दईए कि नाइकी दे इह मोस्ट लिमिटेड शूज़ दे सिर्फ 99 पीस ही बने ने, 89, जिस कारण इस नूं स्नीकर्स लवर करोड़ां रुपये विच खरीदण लई तैयार ने। सो इन्हां तो हुई इनकम नूं नाइकी ने पार्किंसंस रिसर्च नूं डोनेट कीता। सो अगे गल करदे हां जेम्स जोंग बारे। इसने बहुत बड़ा ग्लिच लभ लिया सी बिटकॉइन की दुनिया में, जिस तो बाद यह अरबां खरबां पति बन गया। तो यह किवें बनया ते उस तो बाद इस नाल की वापरिया इस बारे ही गल करते हैं। सो यह एक कंप्यूटर इंजीनियर सी। सो इनू 2012 दे विच सिल्क रोड वैबसाइट ती एक बहुत बड़ा गलच मिल गया। सो असल विच सिल्क रोड एक इनलीगल वैबसाइट सी जिथे हर तरह दीआं इनलीगल चीज़ां बाय एंड सैल हुंदीआं सी। सो इस नू इत्थे गलच ये मिलिया, इस वैबसाइट ते एक बार बिटकॉइन डिपोजिट करन ते जिन्नी मर्जी वारी विदड्रॉ कर सकदे सी उही बिटकॉइन नू, ते ये देखण तों बाद इसने 500 बिटकॉइन डिपोजिट कर दित्ते, ते फिर देखते ही देखते 50,000 बिटकॉइन इसने उत्थों विदड्रॉ कर ले या कहलू की चोरी कर ली। पर उस तो बाद सिल्क रोड 2013 विच बंद हो गई। पर दूजे पासे जेम्स बिटकॉइन दे रेट बदन कारण मिलियनर बन रहा सी, ते इसने सीक्रेट अथॉरिटीज तो बचण लई बहुत सारे तरीके अपनाए, ते 10 साल तक इसने किसी नू भी नहीं पता लगन दिता। पर 10 साल
ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ 2012 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 400-500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੋਲ ਸੀ 50,000, ਪਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ 5,000 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਪਰ FBI ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ $660,000 ਕੈਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਗੋਲਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ $3.4 billion ਦੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫਰੌਡ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਝੁੰਝੁਨਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿੱਗ ਬੁੱਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤੇ ਟਰੱਸਟਵਰਦੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ XM ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੋਲ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 2009 ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ XM ਇੱਕ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸੈਟ ਕਲਾਸਿਸ, 1,000+ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ, ਗੋਲਡ, US ਸਟਾਕਸ, ਕਮੋਡਿਟੀ ਸਭ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵੈਬੀਨਰਸ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ XM ਅਲਟਰਾ ਲੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫੀਸ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ XM ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਫੀਚਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ XM ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੇ 50% ਐਕਸਟਰਾ ਬੋਨਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੈੱਟਵਰਥ 1,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ BCCI ਨਾਲ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਈਅਰਲੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ A+ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਲੱਖ ਸਿੰਗਲ ਮੈਚ T20 ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਪਰ ਟੈਸਟ ਮੈਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ RCB ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ 1 ad ਦੇ 7-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਲਈ 7-8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਲਈ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮੈਂਗੋ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 1997 ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਵਾਲੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵੇਸਟ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਏਰੀਆ 600 ਏਕੜ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਬ ਦੇ ਪੇੜ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 200 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲੀ ਸੇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਲੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਜੌਬ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਥ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੋਲ 2 BHK 3 BHK ਦੇ ਫਲੈਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਰਤ ਜੈਨ ਦੀ।
सो इसका कहना सी कि जदों इसने भीख मंगनी शुरू की तो इसकी मंथली इनकम 70 to 75,000 rupees होने लग गई सी। सो हौली हौली इस तरह इसकी तरक्की होंगी गई। सो इत्थे प्लस पॉइंट यह हुंदा है कि भिखारी के खर्चे बहुत घट हुंदे ने, उसका लाइफ स्टाइल जीरो हुंदा, उसका किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं हुंदा, जबकि मीडियम लोग 1,00,000 rupees भी कमा लेंदे ने, 2,00,000 भी कमा लेंदे ने, पर उन्ने उन्होंने खर्चे बढ़ जाते हैं। सो इस करके वह उत्थे दे उत्थे ही रहिंदे ने। पर इस कोल मुंबई विच दो फ्लैट ने जिन्हां दी कीमत 1.5 crore rupees दसी जाती है, तो दो दुकाना भी ने जिथों इन्हों रेंटल इनकम आती है। सो इन्ना सब कुछ होने तो बाद हुण इन्हां दे रिश्तेदार भी इन्हां नूं कहण लग गए ने कि तुसीं इह कम बंद कर दो। पर भरत जैन का कहना है कि वह यह काम तो नहीं छड़ेगा क्योंकि उसनू पता है कि इस विच कितनी पोटेंशियल है। जेकर आप सेंटर लैवल से देखिए तो अजिहा कोई कानून नहीं है जो इन्हों रोकता हो, पर स्टेट लैवल से जेकर देखिए तो इन्होंने अपने कुछ लॉ बना लेने, जिमें कि बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट 1969 है। सो ये बैगर्स की डेफिनेशन दसी हुई है कि जो भी बंदा घूम फिर के भीख मंग के अपना गुजारा कर रहा है, बेशक यह किसी भी तरीके मंग रहा हो, नच के गा के या कोई भी लाइटा से समान बेच के, उसनू बैगिंग ही गिणा जाएगा। पर इस एक्ट विच भी दस्या गया है कि जेकर कोई भीख मंग रहा है तो पुलिस उसनू बिना वारंट तो अरैसट भी कर सकती है, तो उसनू उसके घर परिवार तो अलग करके रखा जा सकता है, तो उसनू डिटेंशन सेंटर विच भेज के उत्थे उस तो कम करवाया जाएगा। जेकर वह कम करने तो मना करता है तो उसनू जेल भी की जा सकती है। पर दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि जो ये बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट है, इस तरह के होर भी जिन्हें कानून साडे देश विच बने हुए ने जो भीख मंगण ते रोक लगाउंदे ने, यह गलत ने। पर दिल्ली विच जिहा कोई एक्ट लागू नहीं होगा जिथे भीख मंगण वाले ते कोई एक्शन लवो या उसते केस कर सको, क्योंकि इन्हों का कहना है कि जिहड़ा बंदा भीख ही मंग रहा है उस कोल होर कोई चारा नहीं है, या तो वह भुखा मर जाएगा या फिर वह चोरी करके अपना ढिड भरन की कोशिश करेगा या फिर वह क्राइम करेगा। सो इहदे नालों चंगा कि वह भीख मंग के ही सार लैण। सो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग स्टेटा ने एक्ट बनाए हुए ने, जिमें कि पंजाब प्रिवेंशन ऑफ बैगरी एक्ट 1971, हरियाणा प्रिवेंशन बैगिंग ऑफ एक्ट, तो यह सारिया हटाने लिए एक होर एक्ट लिया सेंटर ने, पर वह कई साल तो लटकया होया है बिच बिच वाले। सो कुल मिला के इस मुद्दे पर हाले तक कोई भी सिट्टा नहीं निकलिया। सो जेकर गल करिए भरत जैन की, तो यह इंडिया का ही सब तो अमीर भिखारी नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का अमीर भिखारी मनिया जाता है। सो असल विच इस कोल भीख मंगण का बहुत कमाल का टैलेंट है, या कह लो कि बहुत ही मासूमियत चेहरा, या कह लो कि बहुत ही कमाल का एक्ट। सो वह करोड़पति होने के बावजूद भी हर रोज़ भीख मंगता है। सो बेशक उसनू सारे जने कहते हैं कि इसनू छड़ दे, पर उसनू पता है कि इस तो अलावा उसनू होर कोई काम ही नहीं आता, वो जिस विच बेस्ट है उही काम वह कर रहा है। सो हुण देख लो किड़े काम विच अपना बेस्ट दे के करोड़पति बन गया। सो जो तुसी अपनी स्क्रीन ते देख रहे हो ये आ शाहरुख खान की कुड़ी जो कि एक किसान है, ये असी नहीं कह रहे क्योंकि इसने 13 crore की प्रॉपर्टी खरीदी है वो भी एक किसान बन के। सो बिच प्रॉब्लम समझ गए होवोगे तां जो टैक्स तो बचा जा सके। तो इसी तरह आलिया भट्ट ने एक 38 crore का फ्लैट खरीदया अपनी प्रोडक्शन के नाम से, जिदे विच उसने 25% तक टैक्स बचाया। सो इसी तरह के एल राहुल ते आथिया शेट्टी नूं उन्हां दे ब्याह ते 50 crore तक के गिफ्ट मिले, जिदे विच लग्जरी कार, स्पोर्ट्स बाइक ते होर बहुत बड़े बड़े गिफ्ट शामिल सी। सो हुण 50 crore दी खरीद भी टैक्स तो बाहर गिनी गई, पर इह तां गिफ्ट सीगे ना। सो हो तो यह भी सकता कि आप खरीद के गिफ्ट लै ले हो। ते BCCI ने 2022 विच IPL रैट्स बेच के 48,000 crore के नेड़े तेड़े कमाई सी, पर हुण इह एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, सो इस करके इसकी कमाई भी टैक्स फ्री है। सो हुण गल यह है कि यह लोग देश के वह 10% लोगों विचों ने जो पूरे देश की 70% वैल्थ का हिस्सा होल्ड करते हैं, तो कुल GST का दंदे ने सिर्फ 3%, तो दूजे पासे देश के 50% सब तो गरीब लोग GST का दंदे ने 66% हिस्सा। सो इन्ना सब होने तो बाद जेकर सरकार इन्हां लोगों को कुछ सुविधावां फ्री दे भी देण तां मीडिया ते होर बड़े लोग उसनू फ्री दियां रेवड़ियां दसदे ने। सो फेसबुक ते अलग मोटिवेशनल वीडियो अपलोड हो चुकी है, तुसी उत्थे जाके देख सकदे हो। सो वो वीडियो यूट्यूब ते नहीं आवेगी, वो सिर्फ थानू एक्सक्लूसिव कंटेंट फेसबुक ते ही देखने मिलेगा। सो लास्ट विच गल करदे हां, बॉर्न बफे कहते हैं कि जेकर अज थानू कोई छावां दे विच बैठा दिख रहा है तो बहुत समा पहला उसने दरख्त लाया होगा। तो यह सिर्फ छावां ते दरख्त बारे ही गल नहीं बल्कि हर एक उस कामयाब इंसान बारे गल है जो थानू दिख रहा है। सो जेकर थानू इनफॉर्मेशन वधिया लगी तो एक शेयर जरूर कर दिओ, थोड़े एक शेयर नाल बहुत बड़ा प्रभाव पैंदा है। सो हर रोज़ मोटिवेशन का डोज लैण लई सानू फेसबुक, इंस्टाग्राम ते ट्विटर ते फॉलो भी कर लियो। सो नवे दोस्तों नूं बेनती है कि हो सके तो चैनल सबसक्राइब कर लियो, तो नाल दी नाल बैल का बटन जरूर दब लियो ताकि साडी नवीं वीडियो थोड़े कोल सब तो पहला पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद।